अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। आज मैं आपको स्लीव डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो ये स्लीव डिज़ाइन मैं सिंपल कॉटन फैब्रिक पर बना रही हूँ, जिसके ऊपर मैं प्रिंटेड फैब्रिक की फ्रिल लगाऊंगी। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने थोड़ी सी लेस का भी इस्तेमाल किया है। इसके लिए मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले अपने स्लीव्स की लेंथ देखूंगी। ये मैंने 13 इंच का स्लीव लिया है, जबकि मेरे अपने स्लीव की लेंथ 22 इंच है। तो इसमें इतना हम एक अलग से जॉइंट लगाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैं सर्कल फ्रिल का इस्तेमाल करूंगी, जिसको आप सर्कल रफल भी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने ये स्क्वायर बॉक्स फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, मैंने 7 इंच ली है। उसके बाद अपने स्लीव्स की चौड़ाई का साइज़ भी मैं ले लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से स्लीव्स की चौड़ाई को हम चार हिस्सों में तकसीम करते हुए ऊपर कॉर्नर पर साइज लेंगे। तो ये मेरी 10 इंच स्लीव की चौड़ाई है, जिसको मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है, यानी कि उसका हम चौथा हिस्सा यहाँ पर चौड़ाई में लेंगे, क्योंकि ये खुलने के बाद 10 इंच हो जाएगा। तो अपने स्लीव की चौड़ाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं साइज़ लगाऊंगी। उसके बाद हम अपने स्लीव्स की लेंथ ले लेते हैं। तो 7 इंच पर मैंने इस तरह से सर्कल में मार्क किया है, ऊपर से अपने निशान के ऊपर रखते हुए नीचे सर्कल में 7 इंच पर मार्क कर लीजिए। इस तरह से ये हमारा बिल्कुल गोल शेप में फैब्रिक कट जाएगा, जिसको हम सर्कल रफल भी कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत बनती है। अब इसकी मैं अपने स्लीव के साथ दोबारा पेमाइश कर लेती हूँ। इस तरह से इसके साथ मिलाते हुए आप देख सकते हैं, हमारे स्लीव के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसकी साइजिंग ठीक है। अब मैं इसको अपने स्लीव में अटैच करूँगी। तो उससे पहले मैं अपनी रफ़ल को तैयार कर लेती हूँ। रफ़ल का जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको फोल्डिंग करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इस तरह से एक ही स्टेप में डबल फोल्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये स्टेप मुश्किल होता है। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि किसी भी सर्कल शेप के फैब्रिक की जब आपने फोल्डिंग करनी हो, तो सबसे पहले इस तरह से सिंगल स्टेप में उसकी फोल्डिंग कीजिए। सारे सर्कल को फुली इस तरह से मैं पहले सिंगल फोल्डिंग करूंगी, और इस तरह से दूसरे स्टेप में मैं उसकी डबल फोल्डिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो भी गोल घेरा हमने बनाना हो या सर्कल रफल बनानी हो, तो उसकी बहुत प्यारी शेप आती है। पहले आप सिंगल फोल्डिंग कीजिए, और नेक्स्ट स्टेप में उसको बारीक बारीक फोल्डिंग देते हुए डबल फोल्डिंग पर ले आइए। ये देखिए, दोबारा से फिर मैं सिंगल फोल्डिंग लूँगी, तो ये बहुत ही नीटली सर्कल तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने टोटली सर्कल को बाहर से आउटलाइन दे ली है। अब जब मैं इसको आयरन करूंगी, तो इसकी शेप बहुत ही खूबसूरती से सामने आ जाएगी। अब इसमें मैंने स्लीव अटैच करना है, तो स्लीव को इस तरह से दोबारा से मिलाकर देख लीजिए। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उस पर सिलाई लगा लीजिए। अब इसको अटैच करने का ये तरीका है कि आप स्लीव को सीधा कर लीजिए, और इस तरह से सर्कल की भी सीधी साइड को इसके ऊपर बिछाते हुए दूसरी साइड से इन दोनों के जॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए आप देख सकते हैं, एक और छोटा सा सर्कल बन गया है। तो इन दोनों फैब्रिक्स को मैं सर्कल में सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से दोनों फैब्रिक्स को आपस में मिलाते हुए मैं सर्कल में सिलाई लगा के स्लीव को अटैच कर लूंगी।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्लीव जो है वो रफल में अटैच हो गया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से सर्कल रफल अटैच हो गई है। अब जो हमने इसके ऊपर दूसरी रफल लगानी है उसके लिए हमने नीचे वाली रफल से 2 इंच छोटा फैब्रिक लेना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले इस फैब्रिक का एक्स्ट्रा पीस उतार देती हूँ। दोनों फैब्रिक्स को आपस में मिलाते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दीजिए। फ्रेंड्स ये मेरा किसी सूट का बचा हुआ पीस है, तो आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस के साथ बहुत प्यारे डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इसकी एक साइड की मैं फोल्डिंग कर लूँगी। क्योंकि ये डबल साइडेड रफल बनेगी तो इसलिए इसकी दोनों साइड्स को मुझे फोल्ड करना होगा। इसी तरह इसकी दूसरी साइड पर भी मैं बारीक फोल्डिंग दे लूँगी। तो क्योंकि मेरी मशीन में ज़िगज़ैग फंक्शन भी है जिसकी वजह से मैं येलो धागे को चेंज नहीं कर रही हूँ, इस तरह से हल्की सी डिज़ाइनिंग आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब मैं इसके ऊपर पेमाइश बना लेती हूँ। तो 1.5 इंच पर आपका फैब्रिक अगर सिंपल है तो स्केल की मदद से निशान लगा लीजिए। मेरे फैब्रिक का डिज़ाइन 1.5 इंच पर अलग से लाइन की शक्ल में है, तो मैं इसलिए यहाँ पर साइजिंग करते हुए लाइन नहीं लगाऊंगी। इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ते हुए 1/2 इंच के फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं इसकी प्लेट्स बना लूँगी। इस तरह से सुई को कपड़े के अंदर छोड़ते हुए मशीन को ऊपर उठाएंगे। और नेक्स्ट वाली चुनट को जहाँ पर पहली ख़त्म हुई है उसके बिल्कुल किनारे के साथ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैं इस तमाम फैब्रिक पर चुनट्स बना लूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्लीव बनाने से पहले किसी भी रफ फैब्रिक पर इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी रफल बनती है। आप इसको बेबी फ्रॉक में भी लगा सकते हैं, स्लीव्स में भी लगा सकते हैं। इस तरह से जो मैंने रफल के ऊपर सिलाई ली है उस सिलाई को मैं अपने स्लीव्स के जॉइंट पर अटैच करूँगी। सबसे पहले इस रफल को मैं बंद कर लेती हूँ क्योंकि हम स्लीव को स्टिच कर चुके हैं, तो इसलिए इसको भी हम इसकी साइड को क्लोज कर देंगे। इस तरह से ऑल राउंड में इसकी बहुत प्यारी शेप आती है। अब जो इसकी सिलाई है उसको मैं स्लीव्स के जॉइंट पर कुछ इस तरह से अटैच करूंगी। जो नीचे स्लीव और रफल का जॉइंट है उसके बिल्कुल ऊपर मैं सिलाई लूंगी। इस तरह से दोनों जॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए रफल वाली सिलाई को बिल्कुल उसके ऊपर रखते हुए मैं सिलाई ले लूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत रफल वाला स्लीव बनकर तैयार हो रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं बहुत ही स्टाइलिश बहुत खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन बन गया है।
तो फ्रेंड्स अब इसका नेक्स्ट स्टेप ले लेती हूँ। उसके लिए मुझे इसके राउंड में लेस अटैच करनी है। इस तरह से आप यहाँ पर मोतियों वाली लेस भी लगा सकते हैं। अगर आपका फैंसी ड्रेस है तो आप इसके ऊपर फैंसी लेस लगा लीजिए। मेरा कॉटन का ड्रेस है तो मैं इसके ऊपर सिंपल लेस अटैच करूँगी। इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। रब्बे करीम से दुआ है कि आप सबका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।